हेलो क्रिप्टोनेटर्स, आ गया है वो टाइम दोस्तों, आ गया है वो टाइम, वो दिन जिसके ऊपर कंसेंसस था और जिसका लोगों को काफी देर से वेट होता है, पूरे बल्कि साल ही वेट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं से कौन से कॉइन्स बाय करने लगा हूँ कंसेंसस, तो कौन से कॉइन्स कल क्यू कॉइन पे जो शॉपिंग की थी आपको मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था, और मैंने आपको ये भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो अपना बिटकॉइन का डंप आया है वो मेन रीजन क्या है अपने लाइव सेशन में आगे। तो जिस जिसने मिस कर दिया लाइव सेशन, क्योंकि वो लाइव सेशन किसी प्रॉब्लम के कारण डाउन हो गया था, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता अभी, बट मैं आपके साथ जरूर बताऊंगा कि वो सीन क्या था। तो वो लाइव सेशन जो था वो डाउन कर दिया गया यूट्यूब के कारण। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि जो ये वेल्स के कारण मैनिपुलेशन है क्या, क्योंकि वेल्स चाहती थी कि वो जो उनके फेवरेट क्वाइंस हैं वो सस्ते में बाय करें, बट ऐसा हो पाया नहीं काफी हद तक। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको लगता था कि बिटकॉइन गिराने के बाद हमारे सारे ऑल्ट कॉइंस बिल्कुल डेड एंड रेड ब्लड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी होल्डिंग पावर काफी अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन गिरा के अपना वो बाय करने की कोशिश की, बट वो बाय नहीं कर पाए, और मतलब कर भी लिया, जितना भी सस्ते में बाय किया, तो उनको क्या था कि उनको सस्ते में वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम बहुत कम थी जब बिटकॉइन डंप हो रहा था, तो वॉल्यूम के बिना हो रहा था। मैंने आपको ये अपने टेलीग्राम पे भी बताया था। तो उस रीजन के कारण मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस तरीके से डंप हो रहा था, बट बिटकॉइन को मैंने मेरे को लगता था बिटकॉइन कभी भी मारेगा अपना वापस से प्राइस जंप, उसने किया और सारे ऑल्ट कॉइन्स साथ साथ बढ़ने लगे। अब ऑल्ट कॉइन्स का अभी तो गिरने का कोई फंड ही नहीं बनता, अभी तो कोई गिरने का कि ऑल्ट कॉइन्स कहीं अभी गिरने वाले हैं, अभी तो मुझे नहीं लगता ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, बट ये कंसेंसस के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा। वेल्स की प्योर मैनिपुलेशन है। पिछली बार जो था सीन क्या था, काफी लोग कम थे उससे, पिछली बार उससे भी कम थे, इस बार बहुत ज्यादा लोग ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें और मार्केट पे हमेशा नजर रखें, कभी भी कॉइन को बाय करके भूल ना जाएं दोस्तों, भूल ना जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे थिएटर टोकन, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को आप चाहे तो भूल सकते हैं, बट ना ही भूलें किसी कॉइन को तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ इस कंसेंसस में कौन सी कॉइन्स के बारे में क्या क्या बात होने वाली है, ये किस किस तरीके की बात होने वाली है। तीन दिन का कंसेंसस है और क्या क्या कौन से कॉइन्स में मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड ड्यूरिंग कंसेंसस, कि कंसेंसस में इसका प्राइस बढ़ ना घट सकता है। दोस्तों मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन क्रिप्टोनेटर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के। दोस्तों ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि कंसेंसस में काफी ज्यादा हिट हो सकते हैं, काफी ज्यादा इन कॉइन्स के बारे में लोगों को पता चलेगा और काफी ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है इन कॉइन्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा जिसके अंदर मैंने खुद इन्वेस्ट किया और क्यों इन्वेस्ट किया और उन कॉइन्स का काम क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ऐसे काफी ज्यादा कॉइन्स है, ए आर माना बी एन टी डी एल टी स्टेलर की सिविक लाइट कॉइन, काफ़ी कॉइन है पे। तो मैं इनमें से सब कॉइन्स को नहीं बताऊंगा, बट मैं थोड़े थोड़े मैंने जो चार पांच अपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहला कॉइन जो मैं इसमें सबसे टॉप पे है मेरी इन्वेस्टमेंट वो है द की। दोस्तों मैं आपको बता दूँ द की किस लिए, द की उनके लिए कि अगर कोई बंदा ब्लॉकचेन में काम कर रहा है, उसके पास क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं, उसने अपने पास क्रिप्टो, कल को उसकी लाइफ में कुछ हो जाता है, कल को उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने प्राइवेट की खो लेता है, तो कुछ ऐसा सीन है इनका, कुछ इस तरीके से ये लोग उसको एक मतलब नई प्राइवेट की पे शिफ्ट कर सकते हैं। हम उससे पहले ही बैकअप स्टोरेज रख सकते हैं कि इस टाइम के बाद ये इस प्राइवेट की पे या इस वॉलेट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। कि इस पे काम करता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड कॉइन है, मैंने अपने टॉप 5 अंडर वैल्यूड जनवरी में वीडियो डाली थी, उसके अंदर की का नाम लिया था और की को मैंने अपने पेड ग्रुप में मेरे ख्याल परसों या चौथ कॉल दी थी की और वो आज 50% अप है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस पे इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी देर से कर रखी है, आप चाहें तो इस पे अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू कॉइन पे जाके इसको बाय करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्यू कॉइन का मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं जो मैंने भाई बड़ी देर से करके रखा और जिसको मतलब मैं एज अ सेफेस्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, वो है लाइट कॉइन। तो लाइट कॉइन तो मेरे पास काफ़ी देर का पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या ही बात करनी, चालीली का कॉइन है। चालीली पहले कॉइन बेस में काम करते थे, उन्होंने वहाँ से कॉइन बेस पर उसको लिस्ट करवाया और वहाँ से निकल गए। काफ़ी अच्छा इसका फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा इसका पास्ट है,
और एक जो प्रॉब्लम हुई है लाइट कॉइन के साथ वो यही हुई है कि उनको खुद लाइट कॉइन वालों ने उनको उन्होंने खुद लाइट कॉइन सेल कर दिए हैं, जो कि एक बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर के नाम पे। नेक्स्ट कॉइन की बात करूँ तो मैंने स्टेलर ल्यूमन पे पैसा लगाया है, जो कि थर्ड कॉइन आता है मेरी लिस्ट में। स्टेलर ल्यूमन के बारे में भी कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं, एक सेंट्रलाइज बैंकिंग कॉइन है थोड़ा बहुत, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है काफ़ी देर से, और इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी बट मैं नहीं ले पाया, तो बस इसके बारे में भी इतना ही बात करेंगे। थर्ड कॉइन था स्टेलर ल्यूमन, और जो फोर्थ कॉइन है वो है पॉलीमैथ कॉइन। दोस्तों पॉलीमैथ एक सिक्योरिटी टोकन है जो कि सेंट्रलाइज रहेगा, और इनका जो काम है वो ये है, इन्होंने सोचा है कि हम इथेरियम के जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे बट वो सिक्योरिटी बेस्ड होंगे, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम फ्रॉड और स्कैम्स होंगे। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करके अगली बात करते हैं, मैं रखूँगा वी चेन। दोस्तों ये पांच कॉइन्स हैं मेरे मेन कॉइन जो मैंने रखने ही रखने हैं, और बाकी रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो उनमें से रही इथेरियम मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पिंडिक्स मतलब मैंने थोड़ा देर ही पहले बाय किया था बट अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी 10x हो चुका जब से मैं उसको देख रहा हूँ पिंडिक्स कॉइन को। जेड कैश मुझे पसंद ही नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर चल रहा है और इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। मेडिकल चेन कॉइन अच्छा था बट ICO फेज के अंदर अब नहीं। जेड कॉइन की बात की जाए, जेड कॉइन के मास्टर नोड्स अच्छे हैं, अगर आप मास्टर नोड्स ले सकते हैं तो बेटर है, बट ऐसे अगर आपने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जेड कॉइन भी कुछ खास नहीं लगता। बाकी देखा जाए तो बढ़ने सारे ही हैं इनमें से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं वो बढ़ सकते हैं द की, स्टेलर ल्यूमन, पॉलीमैथ, इथेरियम, सोनम। और दोस्तों एक छोटे से एक कॉइन इसमें लिस्टेड है जो कि है सॉल्ट कॉइन, उसका भी कुछ काफ़ी र्यूमर्स चल रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड या कुछ ऐसा सिस्टम आने वाला, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। बट मैं सॉल्ट कॉइन पे खुद इन्वेस्टमेंट कम ही करूँगा, यानी कि करूँगा सिचुएशन देख के, अगर उन्होंने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा। दोस्तों यही थी आज की बात जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन से कॉइन्स में मैं खुद इन्वेस्ट करने लगा हूँ, और बस दोस्तों यही थी बात। और दोस्तों मैंने ये लिखा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि मैंने इसमें बताया था अगर आपका कॉइन जो है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आपके टोकन जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो मैं आपको एक बात कह दूं कि आप उस पर ना इन्वेस्ट कीजिए शटलेस वर्थलेस कॉइन में। आप अगर यही सेम रूल फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दोस्तों यू विल गो टू द मून। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज अमरप्रीत सिंह, एक इंडियन क्रिप्टोनेटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।